वेलकम बैक। देख रहे हैं आप बगैर जज्बात के, यहां शामिल करते हैं इलेक्शन सिलेक्शन। आ जा रे भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थक न तेरा ये तन हो। इतनी देर कर दी सर, सरकारी एयरलाइन से आया हूँ ना, और मैं तो 6 घंटे पहले आ चुका हूँ। मतलब सर फ्लाइट तो 12 घंटे लेट थी। सारे इदारों को तबाह करके रख दिया, मैं भी इसी सरकारी एयरलाइन की क्रिकेट टीम में रहा हूँ। जब ये एयरलाइन कैसी थी? ऊंची उड़ान थी इसकी। उसकी कोई खास वजह? असल में उस वक्त ये ईरानी पैटर्न से उड़ता था ना, तभी। अहमक इंसान इसलिए कि उस वक्त हम वहाँ मुलाजिम थे। इट्स ओके, ये बताओ कि इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है? इलेक्शन को छोड़े सर। क्या कह रहे हो तुम? गुस्ताखी माफ सर, हमारे कारकुन हर बार इलेक्शन की भरपूर तैयारी करते हैं और आप हर बार इलेक्शन का बॉयकॉट कर देते हैं। हम अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करते, हमसे कोई कहता है तो करते हैं। कौन कहता है सर? कौन कहता है सर? तुम तो मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो जैसे मैं शहजादा सलीम और तुम मेरे वालिद मोहतरम अकबर। बस वो हमारे बड़े हैं और हमारी बैक है बस। ओह सर सॉरी। इट्स ओके। वैसे सर कराची में इलेक्शन कैसे लड़ना है? कराची में इलेक्शन नहीं लड़ना, वहाँ हमने हथियार डाल दिए। ये आप क्या कह रहे हैं सर? दुनिया क्या कहेगी? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। गुड सर गुड। वैसे सर हमने इलेक्शन के लिए मशहूर गुलकारों से गीत भी बनवा लिए हैं। दैट्स ग्रेट। और सर मेरे पास एक आइडिया भी है, आप खुद सिंगिंग क्यों नहीं कर लेते? आप भी तो एक स्टार हैं, रॉक स्टार। तुमने तो वाकई मुझे रॉक स्टार बना डाला। यानी सर लाइफ को झींगा डाला। वेल सर जलसे के तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं, बस सिर्फ डेकोरेशन का मसला आ रहा है। क्यों सर? वो कह रहे हैं कि पिछली कुर्सियाँ और प्लेटें अब तक वापस नहीं आई, इसलिए हम मजीद नहीं दे सकते। ये आवाम भी ना। अच्छा ये बताओ, तुमने नौजवान लड़के लड़कियों को SMS और फेसबुक पर मैसेजेस छोड़ दिए? वो तो सर मैं 8वीं क्लास से छोड़ता आ रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी का रिप्लाई नहीं आया। बेवकूफ, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं जलसे के मैसेजेस की बात कर रहा हूँ। वो तो सर मैंने कर दिए थे, पर जो उनके मैसेजेस मौसूल हुए हैं उसमें हमारी सुनामी की एक ही डिमांड है, आएंगे तब, कंसर्ट होगा जब। क्या? हम हर हफ्ते लोगों से सवाल पूछते हैं, क्या ऐसा हो जाए तो क्या होगा, वैसा हो जाए तो क्या होगा। तो इस दफा हमने सोचा कि लोगों से ये पूछते हैं कि अगर करप्शन खत्म हो गई तो फिर क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको पता चले कि इस मुल्क से करप्शन खत्म हो गई है तो इट विल बी शॉकिंग। तो बहुत अच्छा होगा, सबसे पहले हमें तो करप्शन ही खत्म करनी है इस मुल्क से, और प्यार मोहब्बत तो रही नहीं है, पैसे भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो करप्शन ही खत्म हो जाए एटलीस्ट। हो ही नहीं सकती, हैरत में रह जाऊंगी। किसी ने जोगी किया होगा लाइक रहमान मलिक? मेरे हिसाब से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सबसे पहला मुल्क होगा और नंबर वन होगा। जलेबी कभी चीज नहीं सकती। वैसे ये नामुमकिनात में से हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकती। ये तो खबर सुनते हैं, या तो कोई खुशी के मारे मर जाएगा, हार्ट अटैक होगा, और क्या होगा किसी को। ये तो अच्छी बात हो गई, जैसे ऊँट को रक्षा बढ़ाने वाली बात है। बेहोश हो जाएंगे फौरन। ज़रूरी नहीं है कि करप्शन खाली पैसों की ही हो, हर चीज़ की करप्शन है, ड्यूटी टाइमिंग की करप्शन है, काम की करप्शन है, लोग ड्यूटी पे जाते काम नहीं करते, मतलब सिंसियरिटी खत्म हो गई है पाकिस्तान। अगर आपको पता चले कि इस मुल्क से करप्शन खत्म हो गई है तो सबसे बड़ा झूठ है 2012 का। नामुमकिन बात है, हो ही नहीं सकती। इसके लिए सबसे पहले तो आपको हुकूमत चेंज करनी पड़ेगी, ये नामुमकिन बात है। बेहतर हो जाएगा मुल्क हमारा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अच्छी होंगी लोगों के लिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं होना ही नहीं है, करप्शन खत्म तो क्या पता लगेगा। तो बहुत खुशी होगी और हम लोग दिल से यही चाहते हैं कि हर मुल्क सारे हमारे मुल्क से सारी करप्शन खत्म हो जाए और हर शख्स ईमानदार हो जाए। करप्शन नहीं खत्म होगी जब तक ये लोग हुक्मरान यहाँ पे हैं जिंदा। प्रेल पुल तोड़िए। ये था आज का प्रोग्राम, मुझे यकीन है कि आपको पसंद आया होगा। आप हमारा फेसबुक एड्रेस अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमें अपनी तजावीज और आरा से आगाह करने के लिए bjk@sama.tv पे जरूर ईमेल करें। जाते जाते आपको दिखाते हैं जमहूरियत के हवाले से एक सॉन्ग, और इसके साथ अपने मेजबान मोहम्मद रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
जमहूरिया। जमहूरियत ने किया नाक में दम, जमहूरियत ने किया सब है खत्म। सीएनजी पेट्रोल बिजली बिजली, पब्लिक की हालत पतली पतली, पैसे पर नीयत फिसली फिसली, डिग्रियां सारी नकली नकली। पढ़ती ही जाए महंगाई, पढ़ती ही जाए महंगाई, जमहूरी हुकूमत है भाई। बढ़ती ही जाए महंगाई, जमहूरी हुकूमत है भाई। पिछले करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, चिपके हैं कुर्सी पे पीछा न छोड़े, चिपके हैं कुर्सी पे पीछा न छोड़े। जैसे के मक्खी और मिठाई, जमहूरी हुकूमत है भाई। बढ़ती ही जाए महंगाई, जमहूरी हुकूमत है भाई। चक्कर अदालतों के ऐसे लगाते हैं, पठन के मियां जैसे अमरीका जाते हैं। पब्लिक को ऐसे जो आंखें दिखाते हैं, बाहर के मुल्कों में जूते वो खाते हैं। थप्पड़ पे हुई डिस्क्वालीफाई, जमहूरी हुकूमत है भाई। रोटी और कपड़े का नारा दिखावा था, कुछ भी नहीं था बस झूठ का पहनावा था। कर्जे हैं भारी और खाली खजाना है, उस पे ये उम्मीद दोबारा आना है। दूध से उड़ गई मलाई, जमहूरी हुकूमत है भाई। बढ़ती जाए महंगाई, जमहूरी हुकूमत है भाई।